आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। सितंबर महीने में कोरोना का संक्रमण बेहद खतरनाक हो गया है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सितंबर के शुरुआती दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बीएमसी से 21 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, साथ ही 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत की पुष्टि की गई है। बीएमसी में अब तक 77 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ के लोग शामिल हैं। वहीं इसी संक्रमण की वजह से सागर से अब तक 60 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। सागर में अब कोरोना के मामले 1200 के पार होकर 1205 पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को आर्मी जवान, डॉक्टर सहित 21 लोग इसकी चपेट में आए हैं। बीएमसी के डॉक्टर सुमित रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 लोग मकरोनिया से, 2 कैंट क्षेत्र से, राजघाट रोड मेगा सिटी से 2, बीना से 2, बरिया घाट, चकरा घाट, शाहगढ़, लाल कुर्ती कैंट, पटकुई, मंडी और मड़िया बिट्ठल नगर से कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके अलावा 930 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 21 लोगों की रिपोर्ट अभी तक जो है पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले जो है 62 वर्षीय पुरुष, ये बरिया घाट सागर से हैं। दूसरे जो है 27 वर्षीय पुरुष, ये सागर से हैं। तीसरे 35 वर्षीय पुरुष, सनराइज मेगा सिटी, राजघाट रोड। चौथे एवं पांचवे भी 28 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय महिला, मेगा सिटी से। छठवें 27 वर्षीय पुरुष, ये भी सागर से। सातवें जो है 66 वर्षीय पुरुष, ये गौरनगर से। आठवें जो है 40 वर्षीय पुरुष, एमआरसी कैंट से। नौवें और दसवें भी एमआरसी कैंट से, 29 वर्षीय महिला एवं 36 वर्षीय पुरुष। ग्यारहवें जो है 40 वर्षीय महिला, मकरोनिया से। बारहवें 62 वर्षीय पुरुष, बरिया घाट से। तेरहवें 49 वर्षीय पुरुष, पटकुई से। चौदहवें 63 वर्षीय पुरुष, मंडी बामोरा से। पंद्रहवें 68 वर्षीय पुरुष, खुरई से। सोलहवें जो है 41 वर्षीय पुरुष, बीना से। एवं सत्रहवें भी 50 वर्षीय पुरुष, बीना, गांधी वार्ड से। अठारहवें जो है 56 वर्षीय पुरुष, ये दीनदयाल नगर, मकरोनिया। एवं 19वें 38 वर्षीय पुरुष, मकरोनिया से। 20वें जो है 77 वर्षीय पुरुष, ये मड़िया सागर से हैं। और 21वें जो है आखिर में, ये 41 वर्षीय पुरुष हैं, ये बजरिया बीना से पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा एक दुखद खबर, मतलब कई सारी दुखद खबर हमको कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो लगातार कोरोना से लड़ रहे थे हिम्मत पूर्वक, तो ऐसे 6 लोगों की मृत्यु हो गई है जिनका इलाज चल रहा था। पूरे सागर संभाग से 6 लोग हैं, जिसमें से 3 छतरपुर से रेफ़र होकर आए थे, 1 टीकमगढ़ से रेफ़र होकर आए थे, 1 दमोह से रेफ़र होकर आए थे और 1 सागर के थे। जो सागर के थे, ये 70 वर्षीय वृद्ध थे, इनकी भी आज डेथ हो गई है। इसके अलावा आज अच्छी खबर ये है कि 12 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये पूरी तरह स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सागर की जो आज रिपोर्ट है, इसमें फिर एक डॉक्टर हमारे बीच से पॉजिटिव आए हैं, जो लगातार मरीजों का जो है सेना अस्पताल में इलाज कर रहे थे। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है। और छतरपुर से भी जिला अस्पताल के एक डॉक्टर जो हैं आज पॉजिटिव आए हैं, ये भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है। और आप सबको ज्ञात होगा कि अभी लगभग 3-4 दिवस पूर्व ही छतरपुर जिला अस्पताल से एक और डॉक्टर जो हैं वो पॉजिटिव आए थे, जो वहाँ पूर्व CMHO रहे हैं। और काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने कोरोना का मुकाबला किया, लेकिन अंत में वो जंग हार गए। तो मैं यही सब आपको बताना चाहूँगा। पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मैं जो भी कोरोना वॉरियर हैं, चाहे वो हमारे कई निगम कर्मी जो हैं अफेक्ट हो चुके हैं, कुछ हमारे स्मार्ट सिटी के कर्मचारी हैं, कुछ सेना के जवान हैं, कुछ हमारे MPEB के कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, अनेक लोग जो हैं वो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। और लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी की राह पकड़ी हुई है। हमारे BMC में हमारे
जो डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स इसमें प्रभावित हुए हैं और कई सारे नर्सेस, वार्ड बॉय, हमारा क्लरिकल स्टाफ, कई सारे लोग इसमें प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों ने इसमें जो है जंग में इसको कोरोना को मात भी दी है। तो सभी के लिए मेरा हृदय से नमन है और इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि कोरोना जो है जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच और धर्म किसी चीज़ को नहीं मानता, ये सबको बराबरी से जो है अफेक्ट करता है। तो सावधानी बनाए रखें, सावधानी अपने हाथ में है, है ना। और आज का इसके साथ मैं अपडेट खत्म करता हूँ। नमस्कार। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश, 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।